आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, आचार्य चाणक्य ने अपने चाणक्य नीति ग्रंथ में बताई हुई ऐसी तीन बातें जो आपको एक कुत्ते से सीखनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों यह तीन बातें कुत्ते की सबसे बड़ी अच्छी आदतें हैं। तो दोस्तों इसलिए आज की इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देखें, क्योंकि दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्वप्निल और आप देख रहे हैं आपका ही यूट्यूब चैनल ऑल इन्फो अपडेट। सबसे पहली जो बात है जो आपको कुत्ते से सीखनी चाहिए वह कौन सी है दोस्तों, कि संतुष्ट रहना। जी हाँ दोस्तों आचार्य चाणक्य के अनुसार कुत्ता इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संतुष्ट प्राणी होता है। क्योंकि दोस्तों कुत्ते को जितना भोजन प्राप्त होता है उसमें ही कुत्ता संतुष्ट रहता है। वह कभी भी अतिरिक्त भोजन पाने की गलती नहीं करता, यानी कि अतिरिक्त भोजन पाने की इच्छा नहीं रखता। इसलिए हर मनुष्य को अपनी ज़िंदगी में हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। उसको जो प्राप्त हुआ है उसमें ही उसको खुश रहना चाहिए। कभी भी किसी भी मनुष्य को अपनी पूरी ज़िंदगी में लालच के खातर कोई भी गंदा काम, जैसे कि धोखेबाजी करना, पैसों की हेराफेरी करना या फिर चोरी करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आप इस बात को ध्यान में रखें। जो दूसरी बात है वो कौन सी है दोस्तों, कि सतर्कता। जी हाँ दोस्तों कुत्ता कभी भी गाफिल नहीं रहता, वो हमेशा सतर्क रहता है। चाहे कुत्ता कितने भी गहरी नींद में हो, अगर थोड़ी सी भी आवाज़ आने पर, थोड़ी सी भी आहट आने पर कुत्ता जल्दी से जल्दी अपनी नींद से जग जाता है। इसलिए आचार्य चाणक्य ऐसा कहते हैं कि हर मनुष्य को कुत्ते जैसा सतर्क रहना चाहिए। कभी भी किसी भी मनुष्य को अपनी पूरी ज़िंदगी में गाफिल नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों आप इस बात को ध्यान में रखें। जो तीसरी बात है वह कौन सी है दोस्तों, कि ईमानदारी। जी हाँ दोस्तों कुत्ता एक सबसे बड़ा ईमानदार प्राणी होता है। वह कभी भी किसी भी व्यक्ति को धोखा नहीं देता। इसलिए आचार्य चाणक्य ऐसा कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा अपनी पूरी ज़िंदगी में कुत्ते जैसा ईमानदार और स्वामी भक्त रहना चाहिए। कभी भी किसी भी मनुष्य को लालच के खातर या फिर किसी भी कारणवश कभी भी धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों धोखेबाजी करना इस पूरी संसार का सबसे बड़ा महाभयंकर पाप होता है। तो दोस्तों इसलिए आप इस बात को ध्यान में रखें।